प्रश्न नंबर चार में वर्ग पहेली दी गई है। इसमें से हमें छाटकर अनेक शब्दों का एक शब्द लिखना है। जैसे शहरों में लगने वाला मेला क्या होता है? कार्निवल। तो कार्निवल वर्ग पहेली में से हमें ढूंढना है। ठीक है। रोगी के अनुकूल भोजन, जो रोगी का खाना होता है उसको हम क्या कहते हैं? पथ्य। जो उसकी उसके अनुकूल हम खाना देते हैं, खाना बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पथ्य। जीवन यापन का साधन जीविका। जीवन यापन का साधन जीविका। अस्त होता हुआ अस्तचलगामी। अस्त होता हुआ अस्तचलगामी। मनोहर सुरम्य। मनोहर का क्या अर्थ होगा? सुरम्य। बेचैन बेचैन। व्याकुल व्याघ्र। ठीक है। फटे कपड़े। फटे कपड़े का क्या यहाँ पर इसमें दिया है? ठीक है। उसके बाद नीचे दिए क्रिया विशेषण के भेद, इसमें एक अनुच्छेद दिया है, उसमें से हमें वे शब्द छांटने हैं जो क्रिया विशेषण को बताते हैं। जैसे क्रिया विशेषण कितनी तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं। परिमाण, संख्या, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, स्थानवाचक और कालवाचक। तो जो शब्द हमें इन सब का बोध करा रहे हैं उनके नीचे हमें उनको हमें रेखांकित करना है, और आगे अगले अगले पेज पर उसके हमें कॉलम देने हैं, और जो हमने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया, उनको हमें उसमें फिल करना है। तो मैं आपको पढ़ रही हूँ और आप मुझे बताएंगे फिर कौन सा शब्द है, मैं उसी के नीचे रेखांकित करूंगी फिर। ठीक है। और उसको हमें अगले पेज पर, उसको हमें अगले पेज पर फिल करना है। आज, रोज, चारों ओर में स्थानवाचक में आ जाएगा, रीतिवाचक अचानक, तेज, परिमाण में अधिक, है ना। उसके बाद दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को पहचान कर रेखांकित कीजिए और उनके भेद भी लिखिए। हमें वाक्य दिया गया है, इसमें से हमें क्रिया विशेषण शब्द छांटना है और उसका हमें भेद भी लिखना है। तो हम कल आम खाने गए थे। कल कौन से क्रिया विशेषण का बोध करा रहा है यहाँ पर? कालवाचक, जिससे में समय का बोध होता है। ठीक है। आप थोड़ा खा लीजिए। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मात्रा का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या कौन से क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। जोर जोर से यहाँ पर किसी ढंग कार्य की ढंग करने के ढंग का बोध करा रहा है, या किसी क्रिया को करने के ढंग का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। रिया यहाँ आओ, यहाँ यहाँ स्थान का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ आओ, तो यहाँ क्या है? स्थान। स्थानवाचक का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर चार में निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण शब्द भरिए। हम आज, इसमें देखो जो क्रिया विशेषण शब्द है वही भरना है। हम आज एक हास्य फिल्म देखने अवश्य जाएंगे। अब उसमें दो ऑप्शन दिए, अवश्य और नहीं। नहीं नहीं कोई विशेष क्रिया विशेषण नहीं होता है। अवश्य अवश्य जाएंगे। अवश्य यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द है, तो इसमें हम अवश्य भरेंगे। ठीक है। एक बंदर डैश हमारे सामने कूद पड़ा। आकर कोई क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। अचानक, अचानक क्रिया विशेषण शब्द है, तो वहां पर हम उसमें भरेंगे अचानक। आज मैंने बहुत डैश खाया है। भोजन कोई क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। कम कम खाया है। कम यहाँ पर परिमाण मात्रा का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है कम, यहाँ पर कम आएगा। ठीक है। एक महीने तक सीखने के बाद मुझे डैश सितार बजाना आ गया। अब यह क्रिया विशेषण नहीं। अब ज्यादा इधर उधर मत कूदो। लोग कोई क्रिया विशेषण शब्द नहीं है। इधर उधर मत कूदो, तो यहाँ पर इधर उधर आएगा। ठीक है।